गाइस वेलकम टू माय रेसिपीज जंक्शन. आपको मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी. आपने मेरे पहले वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब किया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स. तो चलिए आज हम बनाते हैं स्प्राउटेड सैलेड. बहुत ही हेल्दी और पावर पैक रेसिपी है. तो चलिए आइए देखते हैं हम उसे क्या तैयारी करेंगे. ये मैंने लिया है एक बाउल अंकुरित किया हुआ मूंग और चना. तो इसे मैंने रात भर भिगो के रख कर एक कॉटन के कपड़े में, सूती के कपड़े में बांध कर रखा है, और सुबह ये स्प्राउट्स ऐसे आ जाते हैं. और उसके बाद मैंने एक बाउल टोमेटो लिया है, एक बाउल ओनियन और कोरिएंडर लिया है कुछ गार्निश करने के लिए. उसके बाद मैंने एक बाउल ककड़ी ली है और थोड़ा क्रंच लाने के लिए रोस्टेड ग्राउंडनट्स लाए हुए हैं. इसमें एक सीक्रेट ट्विस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. और हमने यहाँ पे एक चाट मसाला लिया है, एक स्पून चाट मसाला और एक स्पून काला नमक. तो चलिए आइए हम बनाते हैं. ये हमारा बाउल हम लेते हैं, इसके बाद उसमें हम लोग ये डालेंगे स्प्राउट्स. फिर हम ये डालते हैं ओनियन और धनिया पत्ता, एक साथ ही डालेंगे. फिर जाएगा ये टोमेटो, फिर जाएगा ये ककड़ी, फिर ये रोस्टेड ग्राउंडनट्स. फिर हम इसमें डालते हैं एक टेबल स्पून काला नमक. फिर जाता है चाट मसाला. तो आइए अब बारी है एक सीक्रेट ट्विस्ट की, जो कि आप इसमें डालेंगे तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा. तो देखिए मैंने यहाँ पे पोमोग्रेनेट लिए हैं, ये या इसमें डालने से बहुत ही अलग स्वाद आ जाएगा और बच्चे भी खा सकते हैं. थोड़ा स्वीट टैंगी टेस्ट भी आएगा इस सैलड को. चलिए हम मिलाते हैं इस तरह से. देखिए कितना कलरफुल लग रहा है. आप कभी भी इसे बना सकते हैं. अगर आप जॉब जा रहे हो या वर्कआउट जा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो एक घंटे पहले आप इसे बनाकर खा सकते हैं. तो देखिए इस तरह से हमारी स्प्राउटेड सैलेड तैयार है. तो चलिए हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल दें. ये रही आपकी स्प्राउटेड प्रोटीन बेस्ड सैलेड. थैंक यू. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ये घर पर ट्राई कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.